देखो या देखो वो आ गया। सो गाइस गुड मॉर्निंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम सुबह का वक्त है, बिल्कुल अभी 6:30 बजे हैं। मैं यहाँ पर निकल चुका हूँ वॉक पर, ये मैं मेन रोड पर आ चुका हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दिया जाए वॉकिंग करते हुए। अभी यहाँ पर इतनी ट्रैफिक भी नहीं चल रहा है और मैं सामने उस साइड जाता हूँ वॉकिंग के लिए हमेशा ज़्यादातर, और वॉकिंग के लिए मैं डेली वेज नहीं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। मेरा पता नहीं ये क्या है, कभी कभी तो मैं उठ भी नहीं पाता हूँ सुबह सुबह यार। आपको ट्रैफिक की वजह से हो सकता है मेरी आवाज़ ना आई हो, इस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हमें उस साइड से जाना होगा जहाँ से मेरे भाई जा रहे हैं, मुझे उधर से ही जाना होगा, वरना ये डांट डांट कर तो बुरा हाल कर देते हैं हर बात पर। मुठी रेसा कर सुबह से इनका ये लग जाता है। तो ये हमने पार कर दिया डिवाइडर और फिर हम जा रहे हैं वॉकिंग पर। अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, वरना तो हम 5 बजे आ जाते हैं यहाँ पर अच्छा सा वॉकिंग करने, और कोई इतना ट्रैफिक भी नहीं चलता है, कोई भीड़ भी नहीं होती है, तो आराम से एक्सरसाइज करनी होती है तो कर लेते हैं जो करना होता है। और हम बस आ चुके हैं यहाँ से एंट्री होगी, अभी गेट भी नहीं खुला है, और वैसे ये गेट कभी कभी खुला हुआ मिलता है, वरना तो साइड से ही जाना पड़ता है, और पीछे से बंद है लॉक तो नहीं, हम भी साइड से आ रहे हैं। चलो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं, थोड़ा सा वॉक करेंगे और फिर दोबारा से घर पर चल जाएंगे, क्योंकि बिना चाय से दिन नहीं गुजरता हमारा, हम टी लवर हैं। वाओ यहाँ पर आकर कितना अच्छा लगता है, एकदम ग्रीनरी है और सारी तरफ सुबह सुबह वॉकिंग के लिए आओ। वाओ तो फ्रेंड्स थोड़ा सा दिन होने लगा है, और मेरा आज एक प्लान भी है कि मैं आज फुल डे व्लॉग करूँ, यानी कि पूरे दिन का व्लॉग करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं दिन में क्या करता हूँ पूरे दिन में। आज संडे है और संडे के दिन मैं घूमने भी निकल चुका था, जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज के लिए आया हूँ यहाँ पर। आप वहाँ पर देख सकते हैं उस साइड ये टी स्टॉल है एक, ये सर्दियों में भाई इतना चलता है, बहुत ही ज़्यादा चलता है एकदम से, लेकिन अब तो ये बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से साइड से, इतना प्यारा बना था ये, लेकिन जब ये बंद हो चुका है, अब गर्मी आ चुकी है तो ये टी स्टॉल पर कोई आता भी नहीं है, इस वजह से बंद हो चुका है ये। ये बहुत ही प्यारा बना था यार, इतना बेकार कर दिया है इसको, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसका ये हाल हो चुका है, क्योंकि उस टाइम इतनी भीड़ भी थी और अच्छी खासी एकदम से सजावट थी, डेकोरेशन हुई हुई थी, तो अच्छा लग रहा था। तो गाइस अब मैं दोबारा से अपने घर पर जा रहा हूँ और पूरा अपना डे व्लॉग कर आपको दिखाऊंगा कि मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ। पूरा रोड हमारा है लेकिन थोड़ी देर बाद निकलेगा, इसलिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। आपको पता होगा कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस करा था कि मैं भट्टे पर आपको आग चढ़ते हुए दिखाऊंगा कैसे आग चढ़ाई जाती है, तो पीछे यहीं पर तैयारियां हो रही हैं, आग चढ़ेगी और उस साइड आप लोग देख सकते हैं सारे लोग बैठे हैं घर पर, और यहां पर तैयारी हो रही है, लकड़ी भरी जा रही है अंदर, ये सारे लोग लकड़ी भर रहे हैं, ऊपर से भी लकड़ी अंदर डाली जा रही है और नीचे से भी, ऊपर और नीचे दोनों साइड से लकड़ियाँ डाली जा रही हैं। तो ये सारी की सारी लकड़ियां इन हॉल्स में डाली जा रही हैं। ये सारी लकड़ियां इसमें भर देंगे, फिर बाद में ये सारा का सारा जलाया जाएगा इसमें। और एक यहाँ पर हॉल है, यहाँ पर भी लकड़ियां डाली गई थी, अभी वो पड़ी हैं, आपको दिख रही होंगी नीचे, वो पड़ी हैं नीचे। और जब अब आग चढ़ेगी मैं आपको उस टाइम का दिखाऊंगा, सामने कोयले तोड़ रहे हैं वो, पहले मैं नीचे उतर लेता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ये सामने कोयले तोड़े जा रहे हैं, ये कोयले की गाड़ी आई थी कल या परसों, यहाँ पर सारी तैयारी चल रही है। अब मैं आपको नीचे से जाकर दिखाता हूँ कि कैसे करके लकड़ी अंदर रखी जाती है फिर आग लगाई जाती है, तो वो यहाँ से जाया जाएगा। यहाँ पर सारी लकड़ियाँ रखी जाती हैं,
और जब यहाँ पर आग लगाई जाएगी मैं आपको वहां का दिखाऊंगा कैसे आग लगाई जाती है, और फिर चिमनी में से ऊपर से धुआं निकलेगा खूब तेजी से। सभी वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि सारे लोग मुझे देखते रहें, काम ठीक से ना करें, इसलिए मैं अभी वीडियो बाद में बनाऊंगा ठीक से। अब मैं आपको पास जाकर दिखाता हूँ वो कोयला कैसा है, कैसी वैरायटी का कोयला आता है, लोकल वाला है या बढ़िया वाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर ये हमारे पास मिलता है ये पत्थर वाला कोयला जो पहाड़ी में से निकलता है, ये कोई लकड़ी वाला या कोई वैसा कोयला नहीं होता है। ये कितने एकदम से चिकना है, आप देख सकते हैं शाइन भी कर रहा है और यहाँ पर भी शाइन कर रहा है, कितना शाइन कर रहा है। और ये सादा का सादा होता है पहाड़ी वाला, कोई लकड़ी वाला कोयला नहीं होता है ये। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये, क्योंकि मशीन से कटता है तो कुछ अलग शेप निकलता है इसका। और ये लकड़ी पीछे उधर वर्कर्स काम कर रहे थे, अभी दो थे, दोनों लोग तोड़ रहे थे, अभी अकेले तोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये जालमान चढ़ गया, काला हो जाएगा, चल नीचे हो उतर। और यहाँ पर मैं अपना एक मुर्गा दिखाता हूँ, हम उसको फुटबॉल कहते हैं प्यार से, क्योंकि वो कुछ इतने ही गोल गोल मोटा है। ए फुटबॉल क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या सुन रहा है क्या कर रहा है? ये कह रहा है मैं यहाँ पर हम खुद ही कर रहा हूँ खड़े खड़े, और कुछ नहीं। और मुर्गी है, और यहाँ पर मुर्गी है छोटी छोटी, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मेरी सबसे फेवरेट वाली मुर्गी ये है जो कि एकदम भागती है पास जाओ। एक तो सो ऊपर, अब मैं आपको दिखाने चलता हूँ कि ऊपर कैसे आग चलेगी, और मैं सारा दिखाऊंगा, मैं खुद अपने हाथ से भी लगाऊंगा आग। यार ये एक वर्क ऐसा है जिसमें अपने ही काम में आग लगाई जाती है, तब जाकर काम ठीक होता है ना, कितना अजीब बात है यार ये। तो मैं अब दोबारा से आपको जब दिखाऊंगा जब भट्टे पर आग चढ़ेगी। अरे रुक जा, सो मुझे एक काम मिल गया है, मुझे टॉर्च लानी है, फजल भाई मुझसे पहले पहुंच गए आगे, तो फजल भाई तुम मिल जाओ, मैं जा रहा हूँ वापस ठीक है। अपना काम टाल दिया, कितना मजा आता है किसी और से अपना काम करा लो। तो फजल भाई ने अपना काम पूरा कर दिया, काम मिला मुझे था लेकिन कर फजल भाई था। हम लोग आपको दिखाने आ रहे हैं ईंटें कैसे बनती हैं, और वहां पर सारे के सारे लोग उधर देख रहे हैं हमारे पीछे, और हम जा रहे हैं कि ईंटें कैसे बनती हैं वो चीज दिखाने आप लोगों को। यहाँ पर ये हमारे मुर्गे सहमे हुए हैं, क्योंकि एक जंगली कुत्ता अभी भाग रहा है, देखो आपको दिख जाएगा, वो जंगली कुत्ता भाग रहा है, अभी इनके पीछे पड़ गया था, तो हमने अभी इसे डांट के भगाया है। अरे यार मार के नहीं, डांट के भगाया है, उसके समझ में आ जाता है, वो तो उससे ज्यादा अकल रखता है ना। क्या बोले? चलो हम लोग जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने की ईंटें कैसे बनती हैं। और जो ईंटें बनाते हैं वो लोग कुछ ऐसे गाने बजाते हैं कि उनके अंदर से ही एनर्जी आए ईंटें बनाने के लिए। कितनी धूप हो, कितनी बारिश हो, बारिश में कौन बनाता है ईंटें, कितनी धूप हो, कितनी सर्दी हो, उस गाने से ऐसे गाने बजाते हैं, अंदर से एनर्जी निकलती है, हाँ भी हो ईंटे बना के डाल देनी है आज तो हजार हो, आज तो पैसा को बनाओ पैसा। देखो मैं आपको सुनाऊंगा, हर एक के पास बीजे रखे होंगे, हर एक के पास डिब्बे रखे होंगे, और गाने चल रहे होंगे एक से एक बढ़िया वाले। तो वर्क शुरू यहाँ से होता है, यहाँ पर गारा बनाने के बाद गारा बनाते हैं, पहले ऐसे पहले पानी डालेंगे, उसे खोदते जाएंगे, ऐसे पत्ता पत्ता हो जाता है। बहुत अच्छी बात बता दी। सो वर्क शुरू यहाँ से होता है, पहले यहाँ पर गारा बनाया जाता है, गारा बनाने के बाद फिर इसी गारे को ले जाकर एक जगह डाल दिया जाता है कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है, फिर इसी गारे से बनती हैं ईंटें। अब ईंटें कैसे बनती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आज बन नहीं रही है क्योंकि आज भट्टे पर फुकाई चढ़ेगी तो सारे लोग उधर ही होंगे। कुछ इस तरीके से गारा डाल दिया जाता है, टट्टी लग रही बड़ी सी। ये बड़ा वाला कौन सा इमोजी है जल्दी बताओ, इमोजी वाला साइन जो आता है। और मुझे भी ऐसे लग रहा है, ड्रैगन
डायनासोर ने हवा बहुत तबड़ा बदतमीज। ये वोल्केनो बनी हुई है पूरी, इसके अंदर आग जला दो बस। हाँ वोल्केनो के अंदर आग लगा दो बस पूरा हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर अब गादा बन गया है, अब मैं फिर वहाँ पर ईंट गादा ले आकर डाल दिया जाता है और फिर उससे बनती है ईंटें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंटें डली हुई हैं, फरस ना समझें इसको, ये ऐसे करके बनाई जाती है। और आप यहाँ पर म्यूजिक सुन सकते हैं कौन सा बज रहा है। ठीक है गुल्ले बनाना। गुल्ले बनाने के बाद ईंट बन रही और क्या। कैसे हिलेगी अंदर को आगे इजी लगेगा हाले। ईंटें बनने के बाद फिर ऐसे खड़ी कर दी जाती हैं, गीली ईंटें या फिर सुखाने के बाद ऐसे खड़ी कर दी जाती हैं, तो ऊपर ऐसे चिट लगाया जाता है। कितनी साफ ईंटें इनकी। फिर इन्हीं ईंटों को ले आके भट्टे के अंदर लगा दिया जाता है। भट्टे के अंदर लगाने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा आग लगाई जाती है, फिर आग लगाने के बाद जब वो पक जाती हैं तो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, ऐसी ईंट दिखाई देती हैं, ऐसी लाल दिखाई देती हैं, ये कुछ पीली टाइप हैं और ये बिल्कुल लाल है और इससे भी अच्छी ईंट होती है तो वो भी दिखाई देती हैं, तो ऊपर से धुआं भी निकलता है जालमान कहता है। तो मुझे तो जैसे पता नहीं ये धुआं निकलता है ना, ये कहने का मतलब है ना कुछ ऐसा ही। तो अब हम आपको दिखाएंगे ऊपर जाकर, मैं तो थक चुका हूँ काफी ज्यादा, अब आपको ऊपर जाकर दिखाएंगे। तुम्हारी वजह से गाइस हम अभी सारे लोग आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे बोलने देगा, सारे लोग आ जाएंगे तो ऊपर भट्टे में आग चढ़ेगी। और गाइस तुम्हारी वजह से हम इतना थक के आए, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करो शेयर करो। अंदर से ऊपर से धुआं निकलना शुरू हो गया है, हो गया ऊपर से धुआं निकलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी चिमनी में ही आग लगी है, इस पूरे एरिया में आग नहीं लगी है, इसमें अभी लगेगी आग तो आपको दिखाऊंगा। देखो चिमनी में अब चिमनी एकदम से गैस खींचने लगी है यार, ना दिख जा। ये लेकर जा रहे हैं डीजल, और डीजल ले जाने के बाद अभी देखो क्या करते हैं ये, डुबो डुबो कर रख रहे हैं। आग तो अभी लग जाएगी, आग का मामला है, तेल एकदम पकड़े अब सही है। ओके एक एक फेंक दे, ये फजल भाई ला रहा है लड्डू। बाबा
अरे नहीं जला ले अपन लाइट यहाँ हम करना चाहिए नहीं ले दे अपन सब लो लो भाग पकड़ो लिया हाथ देख आग अंदर खींच दीजिए छोटे वाले हाँ बोला तुम्हारा जलवाई पकड़ो अब्दुल्ला ले लो हाँ हाँ मैं आपसे कहा है तेरा ध्यान किधर है ये बता चलो अच्छा लाल माल लगा का अबू इसे लगवा दो अबू जालमान को लगवा ले जालमान चल अंदर बस अंदर को क्या इधर वाले जब दानिश वाली दानिश वाली याद रहेगी हाँ दो चच्चा तो चार चार दो ज्यादा लो आओ यार आते करो ना आते करो बच्चों जल्दी आ जाओ फटाफट बनाता था यहाँ पर लड्डू बांटे जाते हैं लाइन से लो आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ आयो लोग आयो नहीं आयो बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ जाओ बजाओ जी आया इवन दिए ये काट ये लड्डू खिलवा रहे बहुत वीडियो बना रहे अरे लाइक कर देता सोल्जर उठे ही चले जाते ये लगा ये इसके क्या हुआ खा लिया
हमें यहाँ पर मिल चुका है थोड़ा छोटा सा भी बड़ा सा भी पता नहीं कैसा काम मिल चुका है। हमें सभी लोगों को पानी पिलाना है गिलास में, तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से गिलास लेंगे फिर नीचे जाकर पानी पिलाएंगे। सामान उठा, चल सारे सारे गिलास दोनों नीचे ले आओ ना, नीचे तक लेंगे, आ जाओ। चलो चलो भाई, कितनी देर लगाओगे? अरे यार लड़ाई लड़ने का टाइम है यार, एकदम से अच्छा काम करने का टाइम है, जल्दी आओ। चलो तुम तो बस वीडियो बनाओगे, तुम्हारी क्या, यहाँ से जग उठाओ। अच्छा काम तो हमें करना है। चलो कितना बढ़िया व्यू आया है, एकदम से सिनेमैटिक शॉट आया था, सिनेमैटिक शॉट देखा आपने कितना प्यारा आया है। यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पर भी काम चल रहा है, तीनों लोग काम कर रहे हैं। भट्टे चालू होने के बाद कुछ ऐसी रौनक हो जाती है, फिर ऐसा ही रहता है हमेशा, एकदम भीड़ भाड़ सारी तरफ, और कुछ ऐसे बच्चे घूमते रहते हैं एकदम से अच्छा काम करते हैं, तो इनको कुछ हमारी तरफ से दो चार थप्पड़ मिलते हैं पैसों के जाए अच्छे काम के। इस मुर्गी को बहुत मजा आ रहा है, ऐसे कीड़े मिल रहे होंगे इसके अंदर हैं। हट जा डाल दो इसके ऊपर, एक बार समझ जाएगी। भाग रहे हैं, देखो इतने इतने बेकार बच्चे आपने कहीं नहीं देखे होंगे, एकदम से शैतान बच्चे हैं, मुझे बेचारे को छोड़ के भाग जाते हैं, मैं वीडियो बनाते रह जाता हूँ, पकड़ाओ अब तो तू गया, अगर हाथ आ गया ना देखो जादमान सोफिया, ये मुझे ऐसे भागा भागा के थका देते हैं। और फिर बात कैसी, ईंट के बाद थोड़ी सी घास कितनी अच्छी लगती है, हाँ, बहुत अच्छी लगती है। जादमान की देखो ये दिमाग की घंटी बज गई है, बिल्कुल सीधी है, क्या सीधी है, वाह कितना प्यारा लग रहा है, ज्यादा सीधी है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। हरकतें, इनकी हरकतें तो देखो बच्चों की, हर वक्त की हरकतें हैं इसके अंदर। क्या ये तो प्यारा लग रहा है, कीड़े देख इसके अंदर कितने क्या कीड़े हैं, कहाँ जा कहाँ रहे हो तुम लोग हैं, जा कहाँ रहे हो बताओ। फटके दिखा रही है, नाच रही है, नाच हरकते देखो इनकी, जादमान तो कुछ ज्यादा ही एकदम से ओवर हो जाता है। अच्छा लग रहा वो हटा, देखो फिर ये इतनी दूर पहुंच गए मुझसे, वहां पर है ये भट्टा रह गया पीछे, और ये देखो कितनी आगे पहुंचे। ओए वापस आ, चलो मार दूंगा मैं आके। अब ये दोनों गए मुझसे, मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। आप देखो क्यों आ रहे हो, अब क्यों आ रहे हो वापस, कहाँ क्या है, टावर के ऊपर सूरज आगा वहां से, पागल मतलब अभी वहां से आ रहा था टावर के ऊपर सूरज, अभी मैं दिखाऊं देखो कहाँ से आ रहा था। हाँ दिखाओ, अगर ना आया तो बताऊंगी। हाँ हाँ बता दूंगा, और अगर टावर के ऊपर सूरज आ गया वो भी कहां से, इस जगह से जहां पर ये कपड़े सूख रहे हैं, तो तुम्हारे
एक एक घुसा मेरी तरफ से फ्री, एकदम फ्री। हाँ चलो आओ, मैं दिखाता हूँ, सूरज आएगा। आया ना टावर के ऊपर सूरज, हैं आ गया। हाँ तो टावर के ऊपर सूरज तो है, और अगर इस पे चढ़कर देखोगे ना तो आएगा ठीक। आ गया टावर के ऊपर सूरज, ठीक है। तो सोफिया की मेज तब से घुसा और ज्यादा मान, तू कहाँ जाएगा? उतरेगा तो वहां पर दोनों लोग फंस गए, एक यहाँ से उतरेगा तो एक वहां से उतरेगा। बताओ क्या चाहिए? घूसा खा ले, देखे तू भी थक रहा है, मुझे भी थका रहा है। क्या होगा रे बेटा, अब तीर की होगी रिश्ता माँ, तीर की होगी रिश्ता माँ। जाओ रे मान, जाओ रे मान, तू तो गया। सलमान सलमान देने दे, एक घुसा सो गया। चलो एक तो पड़ गया इसके, ये भी तो, ये अपना प्रॉमिस नहीं, ओ मेरे अद्धा लगा यार इतनी तेज, ये अपना प्रॉमिस ठीक से नहीं निभाते हैं दोनों बच्चे। मैंने निभाया, इसने निभाया, लेकिन इनने भी भाग के घुसा खाया, और जालमान ने तो खाया, पता नहीं क्या खाया, थप्पड़ घुसे लाते सब खा ली। तो अब हम वापस जा रहे हैं, भट्टे पर वापस आ चुके हैं, सामने देख सकते हैं आप, द्वारा से हम भट्टे पर आ चुके हैं, और ये दोनों एकदम से बेकार से बच्चे। ओ भाई मुझे तो इन्होंने हफा दिया, बिल्कुल ही थक गया हूँ मैं तो आज। हेलो गाइस, हम अब फिर से अपने मरने जा रहे हैं, डूबने पानी, चुल्लू पर पानी मिल जाए वहाँ पर डूब जाएंगे, और मैं आपको उस गड्ढे में उतर के दिखाऊंगा कौन सा गड्ढा, तू भी उतरेगी, प्रॉमिस करा था। चलो गाइस, गड्ढा है, गड्ढा है बहुत गहरा है, गाइस गड्ढे में आ गए, आ गए। देखो मैं भी आ गई हूँ, बहुत गहरा है ये, लेकिन डंडा नहीं है, लगता नहीं है कि यहाँ से हिम्मत है तो चढ़ के दिखाओ। सोफिया चढ़ ना सकती, जैसे बीच है मेरे सामने, इनमें से तो अद्धे निकले। हम इसके अंदर होके आ गए, तुम में हिम्मत है, अंदर जाओ। मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं तेरी बात क्यों मानूं, मुझे मिलेगा क्या? मैं तो हमेशा तुझे पैसे भी देता हूँ, एक टप्पर नहीं ना। तो मुझे निकालना, चलो पैसे, चलो एक कोयले का बड़ा वाला डेला। हाँ उसका मैं क्या करूंगा, वीडियो बना, डालियो वीडियो, किसकी बना रहा है ऐसे रखना पागल अपनी। पकड़ो तो। हाँ हम तुम चलो, हम बोलेंगे हम। तो गाइस इन्होंने एक पत्थर ढूंढा था कोयले में से, वो बहुत चमक रहा था, कह रहा है कि डायमंड डायमंड है, क्योंकि हमेशा जो भी होता है कॉल में ही डायमंड निकलता है, इसमें जो ये कोयला होता है कोयले में ही डायमंड निकलता है। तो ये बिल्कुल सही है, भाई डायमंड, भाई डायमंड, भाई डायमंड निकला है, तो मैं भी तो देखूं कैसा डायमंड निकला है। डायमंड कहाँ था? अगर वो डायमंड था तो इसका मतलब तुमने तो फेंक दिया होगा। वाह कितनी अच्छी अकल है। देखो ये देखिए, इससे हमारे हाथ भी काले नहीं होंगे, और ये डायमंड है असली, हाथ काले नहीं हो रहा है। बहुत पहले कह रहे हैं, देखो ये साफ है, इससे दिखाता हूँ, देखो गंदा नहीं है। हाँ यार ये ठीक कह रहा है, इसका मतलब ये डायमंड है। पूरे पत्थर को उठा के ले जाओ यार, ये तो कोहिनूर से भी बड़ा निकला। ओए भाई कोहिनूर, कोहिनूर उठा, एक मिनट यार, उठा, ये तो कोहिनूर से भी ज्यादा बड़ा निकला। इतने वाह यार ये कितना चमकदार है, डायमंड देखो, डायमंड नहीं है, चमकदार है। डायमंड की खोज करेंगे, हम माइनिंग करने आए डायमंड की, डायमंड की खोज करेंगे ये माइन करके। हमारे पास बहुत सारी मशीनें भी हैं। कहाँ है मशीन है वो? ये ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर खड़ा है, ये मत चलाएंगे। आओ आओ दिया, ये मेरी काली मुर्गी, ये मेरी काली फुटबॉल कहाँ चली? ए काली मुर्गी कहाँ चली? मटकी मटकी, तुझे परेशान करने में तो मजा आता है। वो ये कहाँ चली तू? चलो वो तो वापस चली गई है,
लेकिन ये नहीं जानने वाले, ये सिर हो गए तो हो गए दोनों बच्चे, मुर्गी तक की चली आती है लेकिन ये दोनों सिर हैं तो सिर हैं। फिर आ गई है भागते हुए, इनके कोई अलावा इसके अलावा कोई काम है? अब तो मैं इनका पीछा करूंगा। ये मेरी है, मैं बैठ नहीं, मैं बैठा हाँ यार, ओ हाथ तो छोड़, ओ भाई छोड़ दे, ओ बच गया। इन्होंने तो मेरा बहुत बुरा हाल कर रखा है, यहाँ पे पता नहीं क्यों भी आ गई लोग यार। बैठो, चलो चलाओ ट्रैक्टर, लो चलाओ। चाबी है इसकी? कहाँ है इसकी चाबी? देखो ओ वन मत करो, देखो मुर्गी क्या कर रही है, वो वहाँ पर लोट पोट हो रही है, लट पट अंडा देगी। चलो गाइस, तो गाइस हम भी गाइस, तुम भी गाइस, पैर हटाओ गाइस, जरा गाइस पैर हटाओ गाइस, है ना गाइस? ठीक कह रहा हूँ ना गाइस? है ना, इस पेड़ पर सेसूत आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये दो लटके पड़े हैं और पूरे ही पेड़ पर सेसूत ही सेसूत है, बिल्कुल देखो पतले पतले ही लटके पड़े हैं सारे के सारे। ओ यार इस बार तो मजा आ जाएगा अगर सारे के सारे खाने मिल गए, लेकिन यार यहाँ पर कोई छोड़ता नहीं है, सब तोड़ तोड़ के ले आते हैं, पेड़ लगाने से कोई फायदा नहीं मिला यहाँ पर। ये क्या कर रही है? झूला झूला, अभी पेड़ फिसलेगा, अभी दांत बाहर निकलेंगे, फिर कहेगी ऊ अल्लाह करेगी, फिर नाच ले चिमनी पे जाके नाच ले वहां पर। ये हमारी मुर्गी और मुर्गे, हर वक्त इन्हें यही काम है हराम खोरी। अबे दो चार अंडे ज्यादा दे दा करो दिन में, है वो कितनी गंदी हो रही है, इसने धूल भर रखी है अपने अंदर, पता नहीं क्या कर रही है ये। और ये मुर्गा देखो कैसे देख रहा है, चढ़ जा इसके ऊपर, मार इसे पकड़ के, ये बदतमीज बच्चे, बदतमीज बच्चे। फिर उधर भागने लगे यार, क्या दिखाओगे, क्या दिखाओगे, क्या दिखाना चाहते हो, किसे किसे मारना चाहते हो तुम? कभी आज तक किसी को मारा है पिटने के अलावा कुछ करा है? यहाँ पर तो ओताक हुआ करता था ना, कौन सा कबीला था वो? काय कबीला? काय नहीं, पता नहीं कौन सा था वो, सोस कबीला, सोस कबीला था वो, तो इतने लंबे है ये। हाँ, और यहाँ पर पहले कभी नदी हुआ करती थी और सोस कबीला था यहाँ पर। ये गड्ढा गड्ढा सा भी है थोड़ा, हाँ ऐसा लगता है जैसे। देखो आज सेसूत दिखाता हूँ मैं तुम्हें, तोड़ तोड़ कर बड़े बड़े, बड़ी बड़ी सेसूत, बड़ी बड़ी सेसूत, बड़ी बड़ी तोड़ कर दिखाऊंगा। देखो अभी अपने हाथ से ही तोड़ूंगा, ये दे देखे, ये आ रहे हैं लेकिन ये छोटे वाले हैं, ये पेड़ वाला है जो जंगली टाइप से ही उग जाता है, और जो हमने वाला लगाया है उस पे लंबे आते हैं, और वो कुछ ऐसा जंगली वाला नहीं होता है, उसको लगाया गया है। कितना प्यारे लग रहे हैं ये भी, देखिए यहाँ पर तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, और यहाँ देखिए, देखो ये इनके सेसूत है भरे हुए, यहाँ पतला सा मुझे दे दो, ये लड़की थोड़ी पागल हो जाती है कभी कभी। आपको एक बात बताऊँ, इसे मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं, रहने दे, ये बच्ची डर कर भाग रही है, इसका दिल कमजोर है क्योंकि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। देखो अभी मेरा पेट पीछे चल देते दे। मेरा भाई छोड़ दे आता है। ये चौंस तो जा रही है अपने घर पर, भाग तो भी जा रही है, पापा जा रहे हैं इसके, जा रहे हैं घर वापस, और जालमान और मैं अभी यहाँ पर ही रहने वाले हैं कुछ देर तक, और फिर हम भी जाएंगे। गई लंबी लग रही है,
कोयले वालों को घंटे दिए जरा और एक हथौड़ा दे दो पेटी में। शाम हो चुकी है, भट्टा चालू हो चुका है, रौनक भी थोड़ी कम हो चुकी है अब भी, लेकिन अच्छी खासी भीड़ है वहां पर और एकदम धुआं निकल रहा है, कजा एकदम धसाटे काट रही है चिमनी भी। वहां पर आप देख सकते हैं वो एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी लेकर जा रहे हैं ऊपर, और ये जालमान छोटा सा बच्चा कोयले इकट्ठे कर रहा है, पता नहीं कैसे कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आराम से चुपके चुपके चल रहे हैं पीछे पीछे, लेकिन इसने मुड़कर देख लिया है, मैं आराम से पीछे पीछे चुप। पागल सा बच्चा, मैंने कब कहा तुझे, क्या है हाथ में, हाथ में दिखा, कोयले जमा करता है ये बच्चा और हीरे समझ कर रख लेता है, कहता है कि ये हीरे बन जाएंगे, क्योंकि हम कोयले में कोयल की जो माइनिंग होती है जहाँ पर, तो वहीं पर ही निकलते हैं ना कोई ये डायमंड्स वगैरह। तो इसने जब से ये बात सुनी है तो ये कह रहा है कि मैं ये कोयल्स में से इकट्ठे कर लेता हूँ सारे, क्या पता ये डायमंड हो, डायमंड हो, ये डायमंड के चक्कर में पागल हुआ जा रहा है। तो मोबाइल में चार्जिंग कम है तो अब मैं चार्जिंग पे लगाने जा रहा हूँ वीडियो। अगर आपको मेरी जितनी भी वीडियो बनाई थी, इतनी मेहनत से बनाई थी मैंने आप सभी के लिए, मैं इतना थका वीडियो जा जा कर बनाई, ईंटें बनती हुई दिखाई आपको, भट्टा चालू होते हुए दिखाया, और ये जब धुएं निकलता है चिमनी में से यहाँ तक आपको बिल्कुल ईंट बनने से लेकर जहाँ से ईंटें बनती हैं धुआं निकलने तक आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है एकदम से लाइन वाइज दिखा दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, दिल से बुरा लगता है गाइस, दिल से बुरा लगता है अगर आप इस वीडियो को लाइक ना करें तो। और हाँ कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, वीडियो आपको कैसी लगी, क्या चीज़ ईंटें कैसे बनती है, कोई भी क्वेश्चन हो पुट अप करें, हम क्यू एन ए करने वाले हैं कुछ ही दिन में, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कमेंट में पूछेंगे जाकर तो हम क्यू एन ए भी करेंगे एक अच्छा सा बढ़िया वाला। Shake it, baby.